हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉडिंग स्टार्टिस पे। मैं हूँ आरके सिंह एंड आज इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। तो सिविल इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक आपको स्टडी करना है एंड उसके साथ साथ हमारे चैनल पे फर्स्ट सेमेस्टर का क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट पे क्लास चलेगा, क्लासेस का पैटर्न क्या होगा, हमारा स्टडी प्लान क्या होगा, इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो पे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, खास करके उन दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो सभी दोस्त इस बार पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले हैं या फिर ऑलरेडी ले चुके हैं। तो दोस्तों करते हैं डिस्कशन को स्टार्ट, देख लेते हैं कि हमारे सिविल इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो दोस्तों पहला सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट वन, दूसरा है अप्लाइड मैथमेटिक्स पार्ट वन, तीसरा है अप्लाइड फिजिक्स पार्ट वन एंड चौथा सब्जेक्ट है अप्लाइड केमिस्ट्री पार्ट वन, देन पांचवा सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट वन, छठा सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, सातवां एंड आखिरी सब्जेक्ट है जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस पार्ट वन। एंड याद रखिएगा ये जो आखिरी सब्जेक्ट है वर्कशॉप, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही देना है, कोई भी रिटन एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। इंटरनल पे भी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही देना है एंड एक्सटर्नल पे भी आपको प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ही देना है, हालांकि इस सब्जेक्ट में आपको प्रैक्टिकल कॉपी बनाना होगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि हर एक सब्जेक्ट में मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, क्रेडिट सिस्टम कैसा है। तो आपके स्क्रीन पे एक और चार्ट शो हो रहा होगा, तो देखो दोस्तों इस चार्ट में सब कुछ डिटेल्स के साथ दिया गया है, तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे क्रेडिट्स के बारे में। पहले सब्जेक्ट में क्रेडिट है 4, दूसरे सब्जेक्ट में क्रेडिट है 4 एंड अप्लाइड फिजिक्स पे क्रेडिट है 5, केमिस्ट्री पे क्रेडिट है 5, जो कि सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा कि जिस सब्जेक्ट में क्रेडिट ज़्यादा है, अगर आप उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो आपका ओवरऑल मार्क्स ज़्यादा आएगा, इसीलिए आपको उस सब्जेक्ट में बेहतर तरीके से प्रिपेयर होना होगा। जिस सब्जेक्ट में क्रेडिट ज़्यादा होगा उस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से स्टडी करना होगा एंड उसमें ज़्यादा मार्क्स लाना होगा, ये है आपका टारगेट, तभी आपका जो ओवरऑल मार्क आएगा दोस्तों, परसेंटेज आएगा, वो ज़्यादा आएगा, ठीक है। ओके, देन उसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग पे क्रेडिट है 2, कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे क्रेडिट है 3 एंड जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस पे क्रेडिट है 2 एंड एक और टॉपिक यहाँ पे देखने को मिला है जो कि है स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटीज़ पे क्रेडिट है 1। मतलब आपका जो एक्टिविटी रहने वाला है पूरे सेमेस्टर पे, इसमें भी आपको मार्क दिया जाएगा इन सेमेस्टर पे, ठीक है ना। तो अपना एक्टिविटी जो है दोस्तों बेहतर देने की कोशिश कीजिएगा, परफॉर्मेंस अपना बेहतर रखने की कोशिश कीजिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलने वाला है। यहाँ पे 30 मार्क्स आपको मिलने वाला है, ठीक है, 30 मार्क बहुत ज़्यादा मार्क है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि मार्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है दोस्तों। तो हर एक सब्जेक्ट में जो मार्क है फुल मार्क, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके, दो तरह की एग्ज़ाम आपको देना होगा, पहला तो इंटरनल असेसमेंट एंड दूसरा है एक्सटर्नल असेसमेंट। इंटरनल असेसमेंट क्या है दोस्तों, जो आपके कॉलेज प्रोफेसर आपके एग्ज़ाम लेंगे वो है इंटरनल असेसमेंट एंड एक्सटर्नल असेसमेंट जो कि बोर्ड से क्वेश्चन आएगा एंड बोर्ड के एग्ज़ाम आपको देना होगा, ये है एक्सटर्नल असेसमेंट। एंड इसमें जो प्रैक्टिकल होगा एक्सटर्नल पे, यहाँ पे दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर आएंगे एंड आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेंगे, ठीक है ना। एंड इंटरनल पे अपने कॉलेज के प्रोफेसर ही लेंगे। तो पहला जो सब्जेक्ट है दोस्तों कम्युनिकेशन स्किल्स, इसमें इंटरनल पे थ्योरी है 20 मार्क्स का एंड प्रैक्टिकल है 10 मार्क्स का, मतलब इंटरनल पे टोटल 30 मार्क्स है, 20 मार्क्स का आपको रिटन एग्ज़ाम देना है एंड 10 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, कुल मिला के इंटरनल पे आपको मिल रहा है 30 मार्क्स, ठीक है। एंड एक्सटर्नल पे अगर देखेंगे तो थ्योरी पेपर जो कि सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा उसमें मार्क होगा 50 एंड प्रैक्टिकल होगा 20 का, तो एक्सटर्नल पे आपको मिल रहा है 70 मार्क्स। ओके, तो दोनों मिला के हो गया 100 मार्क्स, 30 प्लस 70 इज इक्वल टू 100। अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए इंटरनल पे थ्योरी पेपर है, कोई भी यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं होगा, थ्योरी है 20 का एंड एक्सटर्नल पे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ थ्योरी है 50 मार्क का, तो टोटल मार्क कितना हो गया दोस्तों 70, 20 प्लस 50 इज इक्वल टू 70 हो गया। एंड अप्लाइड फीस की बात करेंगे तो इंटरनल पे थ्योरी है 20 का, प्रैक्टिकल है 10 का, तो इंटरनल पे टोटल हो गया 30 एंड एक्सटर्नल पे थ्योरी है, रिटन एग्ज़ाम है 50 का एंड प्रैक्टिकल है 20 का, तो एक्सटर्नल पे हो गया 70, तो दोनों मिला के हो गया 100। एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में देखेंगे तो इंटरनल पे 20 मार्क का थ्योरी है एंड 10 मार्क का
प्रैक्टिकल है, मतलब इंटरनल पे आपको 30 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है एंड एक्सटर्नल पे आपको 70 मार्क्स का एग्ज़ाम देना है एंड दोनों मिला के हो गया 100 मार्क्स अप्लाइड केमिस्ट्री पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल असेसमेंट पे आपको 40 मार्क का एग्ज़ाम देना है, ओके ठीक है ना, एंड एक्सटर्नल पे आपको 60 मार्क का एग्ज़ाम देने वाला है, यहाँ पे कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। तो 40 + 60 हो गया 100 मार्क्स। एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करेंगे तो इंटरनल असेसमेंट पे आपको 20 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम देना है एंड 10 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देना है। तो इंटरनल असेसमेंट पे टोटल मार्क्स आ गया 30 एंड एक्सटर्नल असेसमेंट पे थ्योरी है 50 मार्क्स का एंड प्रैक्टिकल है 20 मार्क्स का, तो टोटल मिला के हो गया 70। तो दोनों मिला के कितना होगा दोस्तों 100, 30 + 70 = 100। एंड जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस में आपको इंटरनल पे 40 मार्क का प्रैक्टिकल देना है एंड एक्सटर्नल पे आपको 60 मार्क का प्रैक्टिकल देना है, तो दोनों मिला के हो गया 100 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल देना है वर्कशॉप पे। एंड आपका जो एक्टिविटीज़ का नंबर है वो है 30, ठीक है ना, जो कि टोटल डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर, ठीक है ना, ये हो गया 30। एंड सब सब्जेक्ट का अगर मार्क को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 700 मार्क्स। तो आपका जो सेमेस्टर होगा दोस्तों टोटल कितना मार्क्स का होगा 700 मार्क्स का, एंड आप इसमें कितना लाएंगे ये तो डिपेंड करता है आपके प्रिपरेशन के ऊपर, ओके। तो चलो अब हम लोग बात करेंगे हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स हमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं पहला सब्जेक्ट कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1, ठीक है। तो यहाँ पे 4 यूनिट्स है दोस्तों, इस सब्जेक्ट में टोटल 4 यूनिट्स है एंड पहला जो यूनिट है बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, इसमें आपको लगभग 12 मार्क मिल जाएंगे। इसमें से आपको 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लगभग 12 मार्क्स, ठीक है, 12 मार्क्स से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है, लेकिन आप मान के चलिए इस यूनिट पे आपको 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कौन कौन से सब टॉपिक है देखो दोस्तों, पहला तो है डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ओके, देन है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जहाँ पे हमें फॉर्मल, इनफॉर्मल, ओरल, रिटन, वर्बल एंड नॉन वर्बल के बारे में पढ़ना है। एंड थर्ड टॉपिक है कम्युनिकेशन बैरियर्स एंड हाउ टू ओवरकम देम, मतलब कम्युनिकेशन में जो रुकावटें आते हैं एंड उसको कैसे ओवरकम किया जाता है, ठीक है ना, इसके बारे में। एंड फोर में है टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कम्युनिकेशन के जितने सारे टूल्स हैं, तो ये सभी हम लोग पहले यूनिट पे पढ़ने वाले हैं एंड पहले यूनिट से मार्क कितना आएगा दोस्तों 12 मार्क्स, लगभग 12 मार्क्स, ठीक है। एंड दूसरा जो यूनिट है तो होगा दोस्तों वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ग्रामर, यहाँ पे हमें ग्रामर सीखना है। तो ग्रामर में क्या क्या है दोस्तों, पार्ट ऑफ स्पीच एंड मॉडल्स, देन सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, मतलब वॉइस चेंज, पंचुएशन, जो हम लोग पैराग्राफ्स में जो साइन यूज़ करते हैं सेंटेंस के बाद में, तो ये होगा पंचुएशन मार्क। एंड उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मतलब नैरेशन चेंज, तो ये सब आपने तो सीखा ही होगा। एंड इस यूनिट में 16 मार्क्स लगभग पूछे जाएंगे, ठीक है, इस यूनिट से 16 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ओके। तो इस यूनिट को बेहतर तरीके से पढ़ना है, जब हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे तो आपको सब कुछ ईजी लगने लगेगा। तो क्लास हम लोग जल्दी से स्टार्ट कर देंगे, डेट कब होगा, कब से क्लास स्टार्ट होगा, ये हम लोग वीडियो के एंड पे बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक के बारे में। तो थर्ड यूनिट जो है दोस्तों वो है रीडिंग स्किल्स, जिसमें कि आपको 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, ओके। यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, एक पैराग्राफ दिया जाएगा एंड उस पैराग्राफ को आपको स्टडी करना है एंड उससे सवाल पूछा जाएगा, तो उस सवाल का जवाब देना है आपको पैराग्राफ रीड करके, ओके। तो ये हो गया थर्ड यूनिट। एंड फोर्थ यूनिट पे राइटिंग स्किल है, आपको लिखना है, क्या क्या लिखना है देखो, पिक्चर कंपोजिशन, राइटिंग पैराग्राफ्स, नोटिस राइटिंग, मतलब पैराग्राफ भी लिखना है आपको एंड नोटिस भी आपके सिलेबस पे है। एंड पिक्चर कंपोजिशन जो है दोस्तों, कुछ पिक्चर दिया जाएगा एंड उस पिक्चर्स को ऑब्जर्व करके, देख के आपको कुछ लिखना है, ओके। तो ये है पिक्चर कंपोजिशन एंड यहाँ से आपको 40 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, ठीक है ना, ओके। तो बुक्स की अगर बात करेंगे तो आपके सिलेबस में जो बुक्स रेफ़र किया गया है, देखो दोस्तों इस लिस्ट में आपको इस लिस्ट में से आपको कोई भी बुक लेना है, अगर मेरा सजेशन मानेंगे तो आप 2-3 दोस्त मिलके बुक खरीदेंगे तो बेहतर रहेगा, ओके। हर एक सब्जेक्ट का आप हर एक दोस्त अलग अलग
पब्लिशर्स अलग अलग राइटर के बुक लेंगे एंड बाद में सारे बुक्स मिला के पढ़ेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा, ठीक है। इसलिए आपका अगर ग्रुप है, ग्रुप स्टडी करते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि है अप्लाइड मैथमेटिक्स। इसमें आपको 5 यूनिट्स देखने को मिल जाएगा एंड लगभग 11 चैप्टर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो यूनिट है दोस्तों वो है एलजेब्रा 1, ठीक है। एलजेब्रा 1 यहाँ पे आपको सीरीज में AP, GP, N तम तक सम एंड मीन निकालना, ठीक है। तो ये आपको करना होगा यहाँ पे। बायोनोमियल थ्योरम एंड जो थर्ड चैप्टर है वो है डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो ये सारे आपको यूनिट 1 पे पढ़ना है, ओके। एंड इस यूनिट पे आपको लगभग 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, ओके। यूनिट 2 पे चलते हैं जो कि है अलजेब्रा 2, जहाँ पे आपको वेक्टर अलजेब्रा एंड कम्प्लेक्स नंबर के बारे में स्टडी करना है। यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स पूछे जाने के चांसेस है, लगभग 10 मार्क्स पूछे जाने के चांसेस है। मतलब वेक्टर से भी आपको पूछे जाएंगे सवाल एंड कम्प्लेक्स नंबर से भी ऑब्वियसली पूछे जाएंगे सवाल, ठीक है। देन उसके बाद थर्ड यूनिट जो आता है दोस्तों वो है त्रिगोनोमेट्री, एंड त्रिगोनोमेट्री पे आपका 2 चैप्टर्स है, रिलेशन बिटवीन साइड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एंड जो है दोस्तों इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, साइन इनवर्स कोस इनवर्स, तो इस सब के बारे में यहाँ पे सीखना है। तो इस यूनिट पे 6 मार्क्स पूछे जाएंगे, ठीक है, लगभग 6 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। मतलब दोनों ही चैप्टर से एक एक क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। एंड फोर्थ यूनिट जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट वन, ठीक है। यहाँ पे आपको फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, ओके, एंड डेरिवेटिव्स के बारे में यहाँ पे आपको पढ़ना है। इस यूनिट पे आपको लगभग 12 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे एंड इसीलिए ये यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड 5 यूनिट अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डिफरेंशियल कैलकुलस पार्ट 2, ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस 2। लगभग इस यूनिट से भी आपको 12 मार्क के सवाल पूछे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स के बारे में सीखना है एंड डेरिवेटिव्स के एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे सीखना है, ठीक है, ओके। तो ये दोनों चैप्टर से ही आपको सवाल पूछे जाएंगे एंड यहाँ से आपको 12 मार्क के सवाल पूछे जाने के चांसेस है। तो यहाँ पे भी आपका कुछ बुक का लिस्ट है एंड कोई भी बुक आप खरीद सकते हैं, ठीक है। एंड मेरा मानेगा तो अपने जो कॉलेज प्रोफेसर होगा दोस्तों मैथ का, तो जो सजेस्ट करेंगे बुक तो वही खरीदेगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करते हैं जो कि है अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 1, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 1। यहाँ पे आपको 7 यूनिट्स देखने को मिल जाएगा एंड लगभग 7 चैप्टर्स हैं यहाँ पे। तो हर एक चैप्टर्स में लगभग 7-8 मार्क्स के ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो देख लेते हैं, सबसे जो पहला यूनिट है दोस्तों यूनिट एंड डायमेंशंस के बारे में आपको यहाँ पे सीखना है, यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में आपको सीखना है, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर होता है, ठीक है। यहाँ से लगभग आपको 7 मार्क्स पूछे जाएंगे, 7 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। एंड दूसरा यूनिट है फोर्स एंड मोशन, ठीक है, यहाँ से भी आपको 7-8 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो हर एक यूनिट यहाँ पे बेहतर तरीके से हमें स्टडी करना है एंड क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्रेडिट ज़्यादा है तो इस सब्जेक्ट को बेहतर तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। चलो, एंड थर्ड जो यूनिट है दोस्तों यहाँ पे आपको वर्क पावर एंड एनर्जी के बारे में पढ़ना है। लगभग यहाँ से भी 7-8 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे डेफिनेटली। एंड फोर्थ यूनिट पे आपको देखने को मिला है कि रोटेशनल मोशन के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो मार्क्स होगा दोस्तों वो भी 7-8 मार्क्स होगा। एंड फिफ्थ जो यूनिट है दोस्तों यहाँ पे हमें मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ना है। लगभग यहाँ से 6-7 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। एंड जो 6 यूनिट है दोस्तों यहाँ पे हमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है। लगभग यहाँ से आपको 8-9 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे। ये वाला यूनिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, जहाँ पे हम लोग प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इलास्टिसिटी इसके बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद 7th यूनिट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जहाँ से आपको 7-8 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया बेसिक फिजिक्स का सिलेबस एंड कुछ बुक्स का लिस्ट, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं एंड यहाँ से आप कोई भी बुक्स खरीद सकते हैं। मेरा मानिएगा तो अपने कॉलेज प्रोफेसर की सजेस्टेड बुक को ही खरीदेगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे तो उस
कॉलेज के जो प्रोफेसर होगा फिजिक्स का, उनसे पूछिएगा एंड सजेस्ट करेगा जो बुक आप वही खरीदेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अप्लाइड केमिस्ट्री के बारे में। ये सब्जेक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी क्रेडिट जो है दोस्तों वो है 5, इसमें भी हमें ज़्यादा मार्क्स लाना है। तो इसमें आपको 6 यूनिट देखने को मिल जाएगा एंड लगभग 7-8 चैप्टर तो देखने को मिल जाएगा डेफिनेटली। तो यहाँ पे जो पहला यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग के बारे में। लगभग इस यूनिट से 10 से 11 मार्क्स के सवाल आपको पूछे जाएंगे, ओके। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे जो सेकेंड यूनिट है केमिस्ट्री का, क्या है? फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। इससे लगभग 12 से 13 मार्क्स पूछे जाएंगे। ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 12 से 13 मार्क्स इस यूनिट से आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे, लुब्रिकेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूल बहुत टाइप ऑफ फ्यूल होते हैं, तो ये जब हम लोग ये वाला यूनिट स्टडी करेंगे, ये वाला सब्जेक्ट स्टडी करेंगे, तब हम सीख जाएंगे एक एक करके, ओके। काफ़ी सिंपल सा सब्जेक्ट है दोस्तों। थर्ड जो यूनिट है, इसमें हम लोग वाटर के बारे में पढ़ेंगे। लगभग यहाँ से 10-11 मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है। फोर्थ यूनिट जो है दोस्तों, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इसमें ज़्यादा सवाल पूछे नहीं जाते, लेकिन लगभग 3 से 4 मार्क्स तो पूछे जाएंगे डेफिनेटली, शॉर्ट या फिर ब्रॉड जो भी हो। एंड फिफ्थ जो यूनिट है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे करोशन एंड कंट्रोल के बारे में, कोरोशन एंड कंट्रोल के बारे में। लगभग इस यूनिट से 7 से 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। एंड जो आखिरी यूनिट है दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर एंड प्लास्टिक्स, तो इस यूनिट से लगभग 7 से 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो हर एक यूनिट ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि हर एक यूनिट पर लगभग 7-8 मार्क्स से ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो मैंने हर एक यूनिट का मार्क्स आपको बता दिया है, तो आप उसी यूनिट को ज़्यादा फोकस कीजिएगा जिस यूनिट पे ज़्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एंड कुछ बुक का नाम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस लिस्ट में आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, सारे बुक्स अच्छे हैं, ठीक है ना। चलो, हर एक बुक अपने अपने व्यू पे अच्छा होता है, बेस्ट होता है। एंड हमें इन सभी बुक्स में से सेलेक्ट करना है एक बुक, ओके। चलो, अभी हम लोग बात करेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग पार्ट 1 सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे सीट्स रेडी करने हैं। तो पहला जो यूनिट है दोस्तों, यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग, तो यहाँ पे आपको लगभग 3 सीट बनाने हैं, ठीक है, एकदम फाइनल सेमेस्टर के लिए, मतलब आपके सेमेस्टर के लिए, ठीक है, ओके, इन सेमेस्टर के लिए। तो आपको यहाँ पे 3 सीट्स बनाने हैं। एंड डायमेंशन टेक्निक पे आपको 1 सीट तो बनाना ही है, एंड स्केल से आपको 2 सीट बनाना है, एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे 6 सीट आपको बनाना है, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एंड प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड से आपको 2 सीट बनाना है। एंड 6 यूनिट जो है दोस्तों, सेक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 सीट बनाना है। एंड 7 यूनिट जो कि है आइसोमेट्रिक व्यूज, यहाँ से भी आपको 2 सीट्स बनाने हैं। एंड यूनिट नंबर 8 कॉमन सिंबल एंड कन्वेंशन यूज इन इंजीनियरिंग, तो यहाँ से भी आपको 2 सीटें बनाने हैं। एंड जो है इंट्रोडक्शन टू ऑटोकैड, तो ऑटोकैड में आपको यहाँ पे नॉलेज लेना है, एंड यहाँ से भी आपको 2 सीटें जो है दोस्तों बनाने हैं, ठीक है, ओके। एंड आखिरी सब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, तो इसमें लगभग 7 यूनिट्स है दोस्तों। तो पहला जो यूनिट होगा बिल्डिंग स्टोन्स के बारे में, यहाँ पे हम लोग स्टोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आपको 7 से 8 मार्क्स मिल जाएगा इस यूनिट से। एंड जो सेकेंड यूनिट है ब्रिक्स एंड टाइल्स के बारे में, तो यहाँ से ज़्यादा सवाल जो है दोस्तों पूछे जाते हैं, लगभग 15 मार्क्स के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो ये वाला यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, तो ये वाला यूनिट बिल्कुल बेहतर तरीके से हमें स्टडी करना है। देन थर्ड यूनिट जो है दोस्तों सीमेंट, तो सीमेंट से आपको लगभग 8 से 9 मार्क्स के सवाल देखने को मिलेगा। एंड जो फोर्थ यूनिट है टिम्बर एंड वुड वेस्ट
प्रोडक्ट टिम्बर के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, लकड़ी के बारे में। तो यहाँ से भी आपको 7 से 8 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें पेंट्स एंड वर्निसेस के बारे में स्टडी करना है। लगभग यहाँ से 4 से 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। एंड 6 यूनिट जो है दोस्तों यहाँ पे हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मेटल्स के बारे में लगभग यहाँ से आपको 4 से 5 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। एंड 7th यूनिट आखिरी यूनिट मिसेलिनियस मटेरियल्स, यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक फाइबर्स, ठीक है ना, ये PVC, ये सब कुछ के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ से आपको लगभग 9 से 10 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। ये यूनिट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये हो गया आपका डिटेल सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे एनालिसिस किए हैं। एंड जब क्लासेस स्टार्ट होगा दोस्तों, तब हम हर एक सब्जेक्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले उस सब्जेक्ट को फिर से डिटेल्स एनालिसिस कर लेंगे, उसका सिलेबस, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे उस क्लास को, ओके। तो अब बात करते हैं कि क्लासेस कब से स्टार्ट होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश फर्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेस कब से स्टार्ट होगा, तो 10th अगस्त से आपको क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 10th अगस्त 2020 से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके। एंड जो क्लासेस आएगा दोस्तों, सब्जेक्ट्स कौन से पहले आएगा, कौन से सब्जेक्ट का क्लास बाद में आएगा, ये सब कुछ हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टार्ट होगा दोस्तों वो होगा अप्लाइड फिजिक्स का क्लास सबसे पहले स्टार्ट होगा। एंड थोड़ी दिन बाद अप्लाइड केमिस्ट्री का क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट को मैं पहले स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट में क्रेडिट जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर इन दोनों सब्जेक्ट में हम ज़्यादा मार्क्स लाते हैं तो हमारा जो ओवरऑल मार्क्स रहेगा दोस्तों वो भी ज़्यादा आएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग ये दोनों सब्जेक्ट को पहले स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कम्युनिकेशन, ठीक है, स्किल्स, ओके। एंड इसके साथ साथ ही स्टार्ट हो जाएगा आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है, ओके। एंड इसके बाद स्टार्ट होगा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, ओके। एंड आखिर में हम लोग करेंगे ड्राइंग, जो कि सेमेस्टर के पहले पहले होगा, ठीक है, एकदम सेमेस्टर के आसपास होगा, ओके। तो ये हो गया क्लासेस का ऑर्डर, सबसे पहले आएगा अप्लाइड फिजिक्स का क्लास, एंड देन उसके बाद अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके बाद आएगा कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। एंड इसके साथ साथ ही अप्लाइड मैथमेटिक्स का क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अप्लाइड मैथमेटिक्स Part 1, ओके। एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल का क्लास उसके बाद स्टार्ट होगा, देन आखिर में होगा ड्राइंग का क्लास स्टार्ट, ठीक है। ये जो अप्लाइड फिजिक्स है दोस्तों एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये लगभग सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट सितंबर में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अक्टूबर में ये दोनों सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ये नवंबर तक चलेगा, एंड नवंबर में हमें ये दोनों सब्जेक्ट करना है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा सेमेस्टर, तो आपका नवंबर के आखिरी में होता है, एंड दिसंबर भी होता है, ठीक है ना। तो अगर नवंबर पे होता है तो हम नवंबर से पहले सारे सब्जेक्ट को ख़त्म कर देंगे, ओके। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो अप्लाइड फिजिक्स है दोस्तों एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, कम्युनिकेशन स्किल एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये चार सब्जेक्ट सभी ब्रांचेस के लिए एक ही रहने वाला है। इसका सिलेबस जो है दोस्तों सभी ब्रांचेस के लिए एक ही रहने वाला है, ठीक है, ओके। तो ये सब्जेक्ट हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे ताकि सारे ब्रांचेस जो है दोस्तों वो कवर हो जाए, ओके। चलो, ये है हमारा क्लास, एंड क्लास जो आएंगे हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस आएंगे दोस्तों, चलो इधर लिख लेता हूँ, 3 से 4 क्लासेस पर वीक, एक हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस आएंगे, ठीक है, याद रखिएगा, ओके। क्योंकि हमें दूसरे सेमेस्टर का क्लासेस भी तो लेना है, तो आपके जो क्लासेस आएंगे फर्स्ट सेमेस्टर का 3 से 4 क्लासेस आएंगे हफ्ते में, ओके।
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री एंड उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड ड्राइंग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दूसरे सेमेस्टर्स के सिलेबस को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो तो ये है आपका पूरा सिलेबस एंड स्टडी प्लान हमारे चैनल पे कब से स्टार्ट हो जाएगा। 10th अगस्त से क्लासेस जो है दोस्तों वो स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन यूपी के लिए। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर। चलो तो दोस्तों मिलेंगे 10 तारीख को। 10 तारीख में हम लोग एकदम फर्स्ट सेमेस्टर के क्लासेस जो है दोस्तों स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा उन दोस्तों में जो सभी दोस्त इस बार पॉलिटेक्निक में एंट्री लेने वाले हैं या फिर ऑलरेडी एडमिशन ले चुके हैं, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा उन दोस्तों में। तो दोस्तों आखिर तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं क्लास में। थैंक यू।